जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए जो है ऑफिशियल जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट ही प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे PAT वाले स्टूडेंट हैं, हमारे PNST वाले हैं, वेटनरी वाले हैं, BSc नर्सिंग वाले हैं, उन सभी साथियों को बता दूं मैं कि आप सभी के फॉर्म, जैसे कि अभी आप लोग वर्तमान में ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के, ठीक है साथियों, जितना भी बच्चा समाधान से पढ़ रहा है वह ध्यान दीजिएगा, अभी जो वर्तमान में है आप सभी के PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के फॉर्म आ चुके हैं। और जिन साथियों को अगर BSc चाहे वह BTEC हो या फिर BSc एग्रीकल्चर करना हो तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जितने भी बच्चा जो है आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो PNST होता है या फिर वह वेटनरी हो, इनके फॉर्म कब तक आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर फॉर्म कब आएंगे, आप कुछ भी अपडेट नहीं ला रहे हैं। तो इन सभी के लिए PNST 2022 कितने दिन बचे हैं, इन सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी टेंटिवली डेट है, कब तक जो है यह आपके समक्ष आ जाएगा। तो देखिए, मैं तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑन हूँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। तो देखिए, इन्होंने एक फॉर्म रिलीज़ किया, आपको दिखा दूँ मैं जूम करके। देखिए साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म जो है आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। और ये फॉर्म देखिए कौन सा होने वाला है, ठीक है साथियों। तो ये फॉर्म है, आप लोग देख लीजिए, ये आपका फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कौन सा फॉर्म है सर जी? तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का। और इनका शेड्यूल भी इन्होंने नहीं दिया था, मतलब आपका ये है कि बिना शेड्यूल के आपका PAT का फॉर्म आ चुका है। अब देखिए, मैं आपको शेड्यूल के ऊपर जो है परीक्षा कार्यक्रम के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली इन्हें कैलेंडर में जारी नहीं किया था। आप देखिए यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर ऐसा कोई भी, यहाँ पर कैलेंडर पर इन्होंने जारी ही नहीं किया था, फिर भी इन्होंने क्या किया साथियों, यहाँ पर आपके समक्ष फॉर्म जारी कर दिया। मतलब मैं आपके मान के चलिए, जो वेटनरी वाला स्टूडेंट है, चाहे वह PFT वाला स्टूडेंट हो, चाहे वह डाइट वाला स्टूडेंट हो, मेनली 10 से 15 दिन में आपका फॉर्म आ जाएगा। मैं आप सभी को बता दूँ, सभी साथियों को जो भी फॉलो कर रहे हैं समाधान स्टडी को, आपका 10 से लेकर 15 दिन के अंदर आपका वेटनरी का PVFT का फॉर्म आ जाएगा। अब बात आती है गाइस आपके किसकी, आपका PNST की, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वाले बच्चों को बता दूं, आपका फॉर्म लेट आएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर ने जो है हमें तो हमारा फॉर्म लेट क्यों आएगा, उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है, काफ़ी सारे सर्चेस किए मैंने, उसके बाद ही प्रॉपरली मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। अभी सेकेंड राउंड का जो आपका अलॉटमेंट लटका हुआ है, वो आपके OBC आरक्षण जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके कारण जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो गाइस, इसके जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है, अभी वो भी जो है अभी आपके सप्ताह भर में या 10 दिन में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपका फॉर्म आएगा। मे भी मान के चलिए हमारे पास 30 डेज जो है बाद ही आपका फॉर्म आएगा। कितने? 30 दिन बाद ही आपका फॉर्म आएगा। तो अभी जो है इसकी डेट अक्टूबर में दी है, नवंबर दिसंबर तक जो है आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। आपके सभी को बता दूं तो अपनी स्टडी को बिल्कुल स्ट्रांग कर लीजिए, बिल्कुल स्टडी अपनी तैयार कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म जल्द ही आपके आने वाले हैं। अब आप लोग चाहिए कहां से पढ़े, कैसा पढ़े, तो बच्चा हमारी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है बच्चा। लाइव क्लासेस मॉर्निंग में होती है, ठीक है। बायोलॉजी वाली क्लास अभी मॉर्निंग में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और फिजिक्स वाली क्लास हमारी इवनिंग में 9:30 पर होती है। तो आप लोग सभी जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे क्लासेस के नोट्स, सारी क्लासेस का PDF सब कुछ आपको समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा क्लास के खत्म होने पर ही। तो ये जानकारी थी आपके समक्ष मैंने साझा कर दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी और अभी भी आपके कुछ क्वेरीज होती है, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ANM वाले बच्चों के लिए अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है बच्चा, तो मैं आपको कुछ जो है इसके रिकॉर्डिंग जो है जानकारी नहीं दे सकता। तो जैसे ही अपडेट आती है मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।